हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविगर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के एक टॉपिक जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस पर लेक्चर देने वाली हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक आराम से करिए। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बड़ा कॉम्पैक्ट करके जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बताया। ये बहुत बड़े लंबे चैप्टर में दिया भी होता है, लेकिन आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिस्चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, जब भी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक ऑफर करता है, दूसरा उसका एक्सेप्ट करता है। एक प्रोमिसर होता है और एक आपके प्रोमिसी होता है। तो जैसे ही दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाती है। दोनों के कुछ ना कुछ राइट और ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। तो जब इनके ये राइट और ऑब्लिगेशन कम्स टू एंड होते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, तो माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप और वी कैन से राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टी कम्स टू एंड, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार बी को 50,000 रुपये में बेची है। तो ए का क्या ऑब्लिगेशन है कि बी को अपनी मारुति कार देना, और बी का क्या ऑब्लिगेशन है कि मारुति कार के बदले उसे 50,000 ए को देना। तो अगर ए ने मारुति कार दे दी बी को और बी ने 50,000 ए को दे दिए, तो माना गया दोनों के अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे हो गए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। अब ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बहुत सारे तरह का होता है, तो मैं सारे वन बाय वन करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले है बाय परफॉर्मेंस। देखिए, परफॉर्मेंस से तो आपको पता ही है कि अगर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे आप पूरी तरीके से आप परफॉर्म करते हो तो वो माना जाता है बाय परफॉर्मेंस। जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जाम्पल दिया था, अगर ए ने अपनी कार बी को दे दी और बदले में कार के बी ने 50,000 रुपये ए को दे दिए, तो दोनों ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशन है उन्हें परफॉर्म कर दिया, तो ये माना जाता है बाय परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया बाय परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। अब बाय परफॉर्मेंस भी दो तरह के हो सकता है, एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा होता है टेंडर, जिसे आप बोल सकते हो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो बाय परफॉर्मेंस के दो फॉर्म हुए, एक तो हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा हुआ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर जिसे आप टेंडर बोलते हैं। देखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो वही होती है, दोनों पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया था, ए ने अपनी कार बी को दे दी, बी ने 50,000 कार के बदले ए को दिया, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, इसमें जो है प्रोमिसर ने तो अपने हिस्से का जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरा कर दिया, लेकिन प्रोमिसी जो है उसको पूरा नहीं कर रहा है अपने हिस्से को, तो वो बुलाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ए ने कहा कि मैं जो हूँ 10 जो है लेदर के सूट केस जो है आपको 1 अक्टूबर को दूंगा। अब बी ने कहा ठीक है कि आप जो है मेरे को दे देना, इसके बदले मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा। अब ए जो है 1 अक्टूबर को जो उसने डेट फिक्स करी थी, 10 सूटकेस उसे देना चाह रहा है, लेकिन प्रोमिसी उसको उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे माना जाएगा जो ए है वो अपने ऑब्लिगेशन से बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि उसने तो ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहा, लेकिन दूसरी पार्टी ने जो प्रोमिसी था उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे माना जाएगा ए अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के दो पार्ट थे, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है। फिर सेकंड हुआ टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसमें एक पार्टी ऑब्लिगेशन को पूरा करती है लेकिन दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो पहली पार्टी मानी जाएगी कि वो डिस्चार्ज हो गई कॉन्ट्रैक्ट से। अब उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दोबारे से उसके कहने पर 10 अपने ब्रीफ केस को उसको सप्लाई करे। अब नेक्स्ट आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कैसे बनता है, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से। हम अपना ऑफर देते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर देता है, तो ये क्या हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, दो जनों ने मिलकर हुआ। अगर दो जने मिलकर इसे ख़त्म करना चाहें
तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, 1 से लेके मैंने 5 इसके तरीके लिखे कैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट से ख़त्म किया जाता है। तो सबसे पहले है नोवेशन। नोवेशन का मतलब है कि आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप इन टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो। नोवेशन का मतलब है कि आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हो। और ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेम पार्टी के बीच में भी हो सकता है और अलग अलग पार्टी के बीच में भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम पार्टी में भी हो सकता है और अलग अलग पार्टी के बीच में भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा नोवेशन। तो जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है डिस्चार्ज हो जाता है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या है, किसी से 10,000 रुपये लोन ले रखा है। अब ए क्या करता है, अब वो चुका नहीं पाता लोन को, वो अपना मकान गिरवी रख देता है बी के पास और उसे कहता है कि मैंने 5,000 में ये जो है गिरवी रख दिया है, अब तुम मुझसे पहले वाला 10,000 नहीं मानोगे, अब आपको 5,000 के बाद मेरे जो है मकान गिरवी में। तो माना जाएगा कि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो हट गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा, अब वो 10,000 लोन देने के लिए बाउंड नहीं है, ना ही लैंडर उससे 10,000 वसूल कर सकता है, क्योंकि उसकी जगह अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया 5,000 के लोन का, जिसके एवज में उसका मकान गिरवी रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका रिसीशन। रिसीशन का मीनिंग होता है कैंसिलेशन, मतलब जब एक पार्टी या दोनों ही पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, तो उसको बोलते हैं रिसीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए को कॉटन की 100 बेल जो है 1 अक्टूबर को बी को सप्लाई करनी है, उन्हें कब अपना माल देना है, 1 अक्टूबर को। अब जो है, और जो बी था उसे पैसा कब देना है, उसको पैसा देना है 1 नवंबर को। अब 1 अक्टूबर आती है, तो ए उस वक्त जो है जो 100 कॉटन की बेल थी वो सप्लाई नहीं करता। जब वो सप्लाई नहीं करता है, तो अब वो जो दूसरी पार्टी होती है बी, वो डिस्चार्ज है इस कॉन्ट्रैक्ट से, अब उसे उनके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से रिसीशन से बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने सप्लाई नहीं की थी। सो दिस इज कॉल्ड रिसीशन। अब आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, टेक्निकल मीनिंग है चेंज करना। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसमें चेंज कर देते हो, ठीक है, तो अगर उन शर्तों में चेंज कर देते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, शर्तों में चेंज सेम पार्टीज में होनी चाहिए, तो ये कहलाता है ऑल्ट्रेशन। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑल्ट्रेशन और नोवेशन। नोवेशन में भी चेंज होता है, लेकिन नोवेशन में सेम पार्टी भी हो सकती है और अलग अलग पार्टी भी हो सकती है, लेकिन ऑल्ट्रेशन में क्या होता है, चेंज होके नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन ये सेम पार्टी के बीच में जो है रहना चाहिए। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बी से 1 लाख रुपये उधार लिए, उसने कहा मैं आपको 1 अक्टूबर को ये पे कर दूँगा। अब 1 अक्टूबर से पहले ही ए ने उससे कुछ टाइम की मोहलत मांगी, बी ने कहा ठीक है 1 अक्टूबर को ना करके मुझे 31 दिसंबर को ये पे कर देना। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी वो चेंज हो गई और दोनों सेम पार्टी के बीच में हुए, लैंडर और बोरोअर के बीच में। पहले पैसा कब चुकाना था, 1 अक्टूबर को, अब पैसा कब चुकाना है, 31 अक्टूबर को। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उससे वो डिस्चार्ज हो गए, इसका मतलब लैंडर अब 1 अक्टूबर को पैसा नहीं मांग सकता है, अब वो 31 अक्टूबर को ही मानेगा। सो दिस इज केस ऑफ ऑल्ट्रेशन। अब आता है आपका रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है ज्यादा के बदले थोड़ा सा लोन देना, ठीक है। रिमिशन का मतलब है ज्यादा के बदले थोड़ी चीज या थोड़ा परफॉर्मेंस जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का कराते हो तो उसे बोलते हो आप रिमिशन। तो इस रिमिशन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति ने किसी से 10,000 लोन ले रखा है, अब उसे वो 1 अक्टूबर को चुकाना है, वो 1 अक्टूबर को 5,000 लेंडर को वापस करता है। लेंडर कहते हैं ठीक है अब मैंने 5,000 ले लिया, आपका अकाउंट जो है सेटल हो गया। तो इट मीन 10,000 के बदले उसने 5,000 लेके अकाउंट सेटल कर दिया, तो ये कहलाएगा रिमिशन, कि उसने ज़्यादा के बदले कम लोन लिया और उसको जो है पूरा सेटल कर दिया। तो इट मीन्स रिमिशन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। लास्ट आता है आपका वेवर। वेवर का मतलब है अगर कोई पार्टी अपना राइट छोड़ देती है कि दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, तो उसको बोलते हैं वेवर।
जैसे मैंने अभी आपका पहला एग्जाम्पल दिया था, इसी को आप चेंज कर सकते हैं। अगर ए ने बी से 10,000 रुपये लोन पे लिए और उसने कहा मैं 1 अक्टूबर को आपको पे कर दूंगा, इसी बीच में बी कहता है अब आपको मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं, अब 10,000 अपने पास रख लो, तो इसका मतलब वो कम अमाउंट भी नहीं लेगा। अगर कम अमाउंट लेता तो वो क्या कहलाता? रिमिशन। अब उसने तो पूरा राइट ही छोड़ दिया कि पूरे 10,000 ही नहीं चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका वेवर। तो इसका मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे 5 तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है? आपका नोवेशन आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर आपका ऑल्ट्रेशन आता है, फिर रिमिशन आता है, और लास्ट में आपका आता है वेवर। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट तरीका होता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? कभी कभी लॉ की वजह से भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आपने लिमिटेशन एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि अगर आप किसी लोन को 3 साल के अंदर नहीं चुकाते हो तो फिर आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने कोई लोन लिया और उसे 3 साल हो गए तो फिर आपका राइट नहीं बैठता है कि आप उस लोन को रिकवर कर सको। बोरोवर अपनी मर्जी से दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन आप कोर्ट में सीओ नहीं कर सकते हो। तो ये था डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अब आपको ये तीनों मेथड पता चल गए इसके। सबसे पहले मैंने क्या बताया? बाय परफॉर्मेंस से हो सकता है। दूसरा बताया म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है। जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका बाय ऑपरेशन ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा आ रहा है। तो अब आप स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, उससे पहले हमने बताया था बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन अब आप उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो इस कंडीशन में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। अब ये जो है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी 2 तरह की हो सकती है। पहली आपकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरी आपकी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल में क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसी वक्त आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता तो उसे मानेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और ऐसे केस में जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज माने जाते हो। मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक तांत्रिक कहता है एक व्यक्ति को कि मैं इस डेड जो भी आदमी है इसमें जान फूंक दूंगा। अब तांत्रिक को भी पता है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते और दूसरे बंदे को भी पता है कि मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते। तो अगर जान फूंकने के लिए वो उसे 10,000 रुपये लेने का वादा करता है तो माना जाएगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जैसे ही बना तभी वो डिस्चार्ज। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम 2 पैरेलल लाइन को मिला देते हो। आपको पता है अब 2 पैरेलल लाइन तो सीधे चलती है, वो तो कभी मिल ही नहीं सकती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब वो कर रहे थे तब भी दोनों पार्टी को पता था कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हम 2 पैरेलल लाइन को कभी भी नहीं मिला सकते। तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे आपकी कौन सी थी इम्पॉसिबिलिटी? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब दूसरा क्या आता है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट में क्या होता है? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और उसकी परफॉर्मेंस से पहले वो इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। तो ये माना जाएगा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है आपका कॉन्ट्रैक्ट से आपके जितने भी राइट ऑब्लिगेशन है वो भी सारे कम्स टू एंड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर ने कहा कि मैं इस होटल में जो है आज रात जो है अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस दूंगी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो वो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो आज रात को जो है अपनी परफॉर्मेंस दे सकती थी। अब दिन में ही वो इतनी बीमार हो गई कि वो जा ही नहीं सकती थी। तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो बीमार हो गई जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट आज रात को जो उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस थी वो नहीं हो सकती। तो दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है और आप अपने अपने राइट और ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाते हो। अब इसका नेक्स्ट आता है
बाय ब्रीच। बाय ब्रीच का क्या मतलब होता है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी पार्टी तोड़ देती है। ब्रीच का क्या मतलब है? अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है तो उसकी वजह से भी माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एंड। अब ये किस किस तरीके से तोड़ सकती है? इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो एक्चुअल आपका ब्रीच होता है, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो कौन कौन से दो ब्रीच हुए? एक्चुअल ब्रीच और एक होता है आपका एंटीसिपेटरी। अब एक्चुअल भी दो तरीके से होता है, एक तो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे और दूसरा होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पे। तो मैं आपको सबसे पहला बताती हूँ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि मैं आपको 1000 पिस्टन जो है 1 अक्टूबर को दूंगा और उस दिन आप मुझे इसके पैसे दे देना। ठीक है, 1 अक्टूबर को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब 1 अक्टूबर आया, ड्यू डेट हो गई परफॉर्मेंस की, ठीक है, ड्यू डेट परफॉर्मेंस पे अब ए ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको जो है पिस्टन नहीं दे सकता। तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गई क्योंकि उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और कब मना किया? जब उसकी परफॉर्मेंस का दिन था। तो ये माना जाएगा कि एट द ड्यू डेट पे एक्चुअल परफॉर्मेंस की वजह ना करके आपने उसको एक्चुअल ब्रीच कर दिया। अब होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्रीच। इसमें क्या हुआ? अगर ए ने कहा कि मैं आपको कॉटन की 100 बेल्स जो है इस महीने में सप्लाई कर दूंगा थोड़ी थोड़ी करके, अब उसने 50 बेल तो उसे सप्लाई कर दी। जब 50 से पहले उसने बोल दिया कि अब मैं जो हूँ आपको और आगे की बेल सप्लाई नहीं करूँगा, तो ये माना जाएगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आपका ब्रीच हुआ है। क्योंकि उसने 50 तो कर दी, अब ये पूरा ड्यूरिंग चल रहा था, पूरे महीने में उसे करनी थी। उसने कुछ बेल तो सप्लाई कर दी लेकिन बाकी की उसके लिए उसने मना कर दिया, अब मैं और जो रिमेनिंग 50 थी वो आपको सप्लाई नहीं करूँगा। तो ये माना जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल ब्रीच के दोनों पता चल गए, ड्यू डेट आने पे भी आप मना कर सकते हो, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी आप मना कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मना कर सकते हो कि मैं अब ये परफॉर्म नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट आता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि उसने साफ साफ मना नहीं किया लेकिन आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के थ्रू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी बी से कर दूंगा, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता पूरा जो उसकी डॉटर थी ए की, उसने किसी और से शादी कर ली। अब इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हुआ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हो सकता। तो अब बी को पता चल गया कि जब उसकी दूसरे से शादी हो गई तो मुझसे तो होगी नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। कि आप पहली पार्टी के कंडक्ट से या सरकमस्टांसिस के कंडक्ट से ये पता लगा सकते हो कि अब वो जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको सारे पता चल गए, मैंने आपको बता दिया डिस्चार्ज किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस होता है, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, फिर आपका बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से होता है, फिर बाय ब्रीच से होता है, फिर आपका बाय लैप्स ऑफ टाइम से होता है। लैप्स ऑफ टाइम पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे आपका लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है 3 साल के बाद आप लोन को रिकवर नहीं कर सकते हो, तो अगर ये टाइम बीत गया तो उसके बाद आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ये बाय ऑपरेशन ऑफ टाइम में भी था और बाय लैप्स ऑफ टाइम में भी था। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपने कहा कि मैं 1 अक्टूबर को आपको अपनी कार दूंगा और आप मुझे उसके बदले 50,000 भेज देना, अब 1 अक्टूबर बीत गई, ना तो वो कार देने आया ना ही उसने जो है उसके पैसे दिए, तो इसका मतलब जो टाइम था वो तो लैप्स हो गया। तो उस टाइम के लैप्स होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पसंद आया होगा। अपनी तरफ से आई ट्राई माई बेस्ट कि बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत लूसिड लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी इसका बेनिफिट हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।